नमस्कार सत श्री अकाल, यू वाचिंग 1768। मैं हूं आपका दानिश शर्मा। आज तारीख है 27 जनवरी 2022 और आज हम लोग जा रहे हैं ससुराल। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई शादी जोरों शोरों से तैयारी जो है चली हुई है शादी की। तो अभी हम लोग अपनी जो मेरी जो साली है उसको मैं पिक करूंगा, फिर उसको हमने ड्रॉप करना है, हमने भी वहीं जाना है। तो वो अभी आज हमारे साथ जाएगी और आपको दोबारा दिखा देता हूँ उसको मैं। पहले भी मैंने उसका ब्लॉग डाला था रिंग सेरेमनी को लेकर। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता, सामान की पूरी पैकिंग की जो है तैयारी हो चुकी है। बैग हमारे यहाँ पड़े हुए, कुछ सामान हम जो है ना पहले ही ससुराल रख के आ गए थे, पहले ही घर रख के आ गए, क्योंकि गाड़ी में ना हमारी में थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। तो गाड़ी में थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए हमने एडवांस में जो है ना सामान थोड़ा थोड़ा रखना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, ताकि यहाँ से जिस दिन हम जाए तो कम्फर्टेबली जाए, मतलब कुछ ज़्यादा रहने को ना हो। मैं एक यही जैकेट है जो मैंने शादी के लिए, ठीक है, मैं बीच में पहन भी चुका हूँ उसको। ये देखो पीछे से ड्रैगन जैसा बना हुआ, कुछ शेड जैसा। एक जैकेट मैंने ये पार्टी वेयर लिए, इसके अंदर ब्लेजर है, ब्लेजर भी मैं पहनूंगा। फिलहाल उसको गाड़ी में लटका दूंगा, हैंगर जो है इसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है, कुछ बैग तैयार है और निकलते हैं यहाँ से। बस थोड़ी देर में गाड़ी लेके आनी, गाड़ी के अंदर सामान डालना है मुझे, और जो मेरी असिस्टेंट लॉ है सबसे छोटी वाली जिसका नाम है अमृता, वो मुझे अभी हमें मिलेगी रास्ते में। और मौर्य की कटिंग दिखाता हूँ, मौर्य का हेयर स्टाइल, मौर्य के बाल मैं छोटे करा चुका हूँ, ये देखो। अब आप कमेंट्स करके बताना मौर्य कैसे लग रहा है। मौर्य आप कल कहाँ गए थे कटिंग कराने? हाँ, मौर्य बता रहा है कि आपको कि पापा ने ऐसी कटिंग कराई, देखो उसके छोटे छोटे बाल करा दिए मैंने, और क्यूट लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बड़ा समझदार इनोसेंट, लेकिन है नहीं इनोसेंट। दिखाओ जरा इधर, ये आपको उसकी शक्ल देख के लगता है इनोसेंट है, देखो देखो ये देखो 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 लगता है, इसकी आंखें देखो, इसकी आईज, इसकी मतलब शक्ल से पता लगता है कि इसके अंदर कितना वो भरा पड़ा है। देखो आप खुद देखो, मौर्य दिखाओ जरा। हाँ, पीछे के बाल थोड़े मैंने इसके ऐसे रखे हैं, देखो, क्योंकि पीछे के बाल मुझे मौर्य के अच्छे लगते हैं, ये देखो। अभी खेलेंगे थोड़े थोड़े। लो जी, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब मौर्य की मम्मी का वेट किया जा रहा है। और सामान उस बार के मुकाबले ना इस बार कुछ ज़्यादा ही भर गया सामान, मतलब एक ही बंदा जो है ना पीछे बैठ सकता है गाड़ी में, ठीक है, क्योंकि पीछे डिक्की भी भरी पड़ी है, उसके ऊपर मैं वहाँ बैग रख नहीं सकता हूँ। यहाँ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है ना, यहाँ सब जगह बैग पड़े हुए हैं। तो अभी एक बैग और आना है जो कि मेरी साली अपने साथ लेके आएगी बैग। तो भाई उस मतलब उस दिन के मुकाबले, आज के मुकाबले में मैं बोल सकता हूँ कि मेरी गाड़ी बनी हुई ट्रॉला। क्या बनी हुई है? ट्रॉला। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ी देर में। अभी हमने जाना रिबॉन, रिबॉन से हमने वहाँ अपनी छोटी साली को पिक करना है, उसको हमने साथ लेके जाना है। लेकिन उसके लिए तो भैया जगह ना मतलब उसके लिए तो जगह कैसे ना कैसे जो है हमने बना दी। एक ही बंदा बैठ सकता है, अगर इसमें अगर पीछे दो बंदे बिठाने हो ना भाई, तब तो बड़ा मुश्किल है कि बैठेगा नहीं बैठ पाएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपके आशीर्वाद से कि अगले साल सोच रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी ले लूँ, बहुत प्लान करके चल रहा हूँ, देखते क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। और इसकी मम्मी आ गई है, तो अब हम लोग यहाँ से जो है निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम उसको पकड़ेंगे रिबॉन से, ठीक है, और यहाँ से निकलेंगे हम सीधा ससुराल। हमने कहीं नहीं, तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्पाटू, और बीच की जो वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि अब एक ही जगह बार बार दिखा के ना गालियाँ पड़ती है, बंदा सोचता है इनके पास एक ही स्पॉट है दिखाने के लिए। तो फिलहाल सामान पीछे भरा पड़ा है, और मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से हमने जो है ना दुल्हन को एडजस्ट किया है। अब पता नहीं उसने क्या, इससे सुन लो पहले क्या बोल रही है। तो मैंने क्या बोला, ये अपने को कुछ ज्यादा एक्सपर्ट बनती, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में आता है कि मैं पता नहीं, मेरे बोलने में दिक्कत होती है, कभी बोलती कि आप तोतले हो, ऐसी ऐसी बातें करती है। तो अब ये समझ में नहीं यार क्या सीख नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। अच्छा, ये बोल रही है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा कि दुल्हन ने गाड़ी को एडजस्ट किया, हमको एडजस्ट किया या अपने आप को एडजस्ट किया। अब देखो मौर्य भी पीछे बैठा हुआ, ये भी पीछे बैठी है, सामान देखो पूरा ट्रॉला बना हुआ है। तो गाड़ी इस वक्त हमारी ट्रॉला बन चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं। बस थोड़ा हमारा एक पॉइंट होता है, हम जूस वगैरह यहाँ से पी के जाते हैं स्पाटू, जैसे ही आप लोग जतोग एरिया क्रॉस करोगे, स्पाटू एरिया सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा चाय और जूस, ये लोग जूस पीते हैं और हम लोग, मैं हमेशा चाय पीता हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि चाय मतलब सफ़र करने का मज़ा तभी आता है जब बीच में चाय की चुस्कियाँ लगती रहे ना, तो बस वही एक अपना मज़ा है। तो फिलहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेट हो रहे कि 4 बजे पहले पहुँचना, नहीं तो हिमाचली पूजा ब्लॉगर दीदी भाई पूरी चीज़ें बतानी पड़ती है, तो उनका फ़ोन आने वाला है। उनको हमारी आने की खुशी नहीं है, उनको उनकी खुशी है कि उनका प्रोडक्ट किसी भी तरीके से 4 बजे से पहले पहुंच जाए, उनका बस यही है। तो भाई अभी 4 नहीं बजे, बतेरा टाइम है, नहीं तो उसको भी देखो अपनी बहन की फिक्र पड़ी है। तो फिलहाल अभी हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में क्या बस सामान निकाल लेते हैं, हम लोग पहुँच गए। चलो, हमेशा जब भी आता है ना हम लोग लाद के आते हैं यार,
तुम्हारा लाद रहने का ही काम है हमेशा। ओ नीचे लग रही जैकेट, नीचे देख पहले, पता कितनी महंगी जैकेट है यार, इतना तेरा लहंगा नहीं होगा, इतनी महंगी जैकेट है। देख इसको, इसको देख। हाँ समान दे इसके पास, गले मिलने आई ना, चल 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 चलो। वेलकम आसरा, स्वागत पापा कमी घट ही करो, बोले आंदे रहो जानते रहो। हो गया बस, यही सामान है बस। रोटी है खाने को? रोटी खाना क्या है? शॉपिंग करने से बढ़िया अपने को कुछ, मतलब वो ब्रांडेड चमन प्राश लेती ना, वो ज़्यादा बेटर था। बोले अपने को शॉपिंग करने से बढ़िया कुछ खाने को लेती ना, बादाम बदूम वगैरह, ज़्यादा बेटर था। बोली हाय जैकेट लेके आई के दर्द हो गई हाथों में, जो मर्जी है तो कितने टाइम से खा रही है, एक दिन में क्यों नहीं होता? अपने प्रोडक्ट की बड़ी थी ना, ले लो। मैं क्या, अरे यार गाड़ी में ऐसे चलते हवा होगी, बस क्या करना है, हवा लग जाती है ऐसी। बस भाई बस बस, बतेरा हो गया बे, एक ही रहनी है, बतेरा हो गया अब। अच्छा पाँव छू लिए थे? छू लेते हैं आपके पाँव। किसको? मन साफ होना चाहिए, ठीक है, मन साफ होना चाहिए, गोड्डे ही सलामत रहने चाहिए, पाँव नहीं गोड्डे मेन है। गोड्डे पाँव छू के ना गोड्डों को आशीर्वाद देना चाहिए कि गोड्डे सही रहे, सभी रहे। क्यों पापा, ये कहाँ है इसकी छड़ी जी? वो कहाँ है ये? शादी शादी में बजाया जाए, शादी से 10-15 दिन पहले जो है ना बजाई जाती है पापा ना, ये हमारी रस्म है। क्या बोलते हैं पापा? नगाड़ा, इसको बोलते हैं नगाड़ा। शादी के 10-15 दिन पहले चल लड़की का, पापा कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। ये देख बेटी कुछ बोल रही है, माँ कुछ बोल रही है, बापू कुछ बोल रहे हैं। आते बस आप बोलते रहो कुछ ना कुछ, उनको अच्छा लगता है आपके मुंह से, आप लड़ो ना इनके साथ, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये जान बुझ के करते हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट। नगाड़े की वो कहाँ स्टिक है, जुड़ गई वो मधुमक्खी का आपका, वो कामयाब नहीं हुआ मतलब, है ना? मधुमक्खी जो है मतलब चासनी चासनी चाट गई और उड़ेगी। आप ऐसा बोल सकते हो क्यों? मीठा मीठा गप है, कड़वा कड़वा थू। वो देख वो आया और खिलनू लेके चला गया, वो देखो मारे उधर खिलनू। ये सबसे पहले जाता है खेतों में पहुंचता है बंदा, ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो सबसे पहले आया और खेतों में चला गया। हमारा खाली जो है ना एक ही बैग है, बाकी सारा बैग इसी का ही है। अच्छा ये हमारा है? अच्छा ये हमारा है, है? अच्छा ये हमारा है, बाकी सारा इसी का ही है ना, जितना भी आप देख रहे हो ना वो इसका अकेली का है। क्यों ऐसा? तो यही ले लो, तो ले लो यही ले लो। ऐसा क्या, यही ले लो। ओ भाई ये पाँव वगैरह कौन छुएगा? तेरे भी सिम्टम्स कुछ चेंज हो रहे आदू, ठीक है? हाँ तेरे भी सिम्टम्स कुछ चेंज हो रहे बेटा, वैसा ना अपन ट्रैक सूट, ट्रैक सूट तो ऐसे पाके आई हुई जैसे पता नहीं भर्ती देने जा रही है। क्यों? अच्छा खाने को क्या बनाया हुआ? नहीं ऐसा सही बात बोल रहा है, गांव में आके ये चीज़ यहाँ आके खाने का मन करता है, शहरों में बनाओगे ना छूने को मन नहीं करती ये चीज़ें, यहाँ आ जाओ ना बढ़िया रहता है। अच्छा लस्सी भी है? तो आज सासू अंडे में आई है साग और मक्की की रोटी। पापा आपने खा लिया? तो अभी के बजे हैं 2 और हम लोग करेंगे अब लंच। आपके सामान के चक्कर में ना मैं इसको कई गाड़ी, आज हमने टिक्की भी नहीं खाई, बीकानेर रुके तक नहीं, पूछो। मैं दीदी का पहले, जो दीदी का जो जो सामान मंगवाया ना वो देना उनको,
कौन बोल रही थी? हाँ, ये पहले इतनी समझदार लग रहा है आपको होती है। अच्छा ये देखो पापा, आप कर दो रिप्लाई, मैंने अभी आपका साथ दिया ना, अब आप मेरा साथ दे दो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। दीदी मक्की की रोटी और साग बचा दे दो प्लीज, अरे भूख लग रही है यार। नीक मौर्य जाता है वो तो पाड़ो पाड़ करके आ जाता है, जहाँ भी जाता है कहीं भी गया वो खाने बैठ जाता है। दीदी बाल देखे मौर्य के, बाल देखे, बाल ठीक लग रहा है? उल्टा खिलना है नहीं। चलो एक पराठा तो पड़ा, कम से एक पराठा तो पाड़ी, पनीर का सुबह पाड़ा था अभी, दो एक ही लेके आ गई थी। हाँ ये तो है, चल खा ले सेहत बना ले। तो मक्की की रोटी दो इसको, चार पांच मक्की की रोटी दे दो सासू आंटी इसको। तो हमारा चला हुआ है लंच, क्या दे दो? मुझे पता है सासू आंटी मेरे को बासी चीज़ कभी नहीं देती, तुम्हारे को दे सकते हैं लड़कियों को लेकिन दमादों को नहीं, ठीक है? तो ऐसे भड़काने वाला काम मत किया कर। तो हमारा लंच हो रहा है अब इस वक्त, और अभी धूप देखो, अभी 30 तक धूप जो है ऐसे खिलने को मिलेगी। ये मटर का जो अभी कुछ टाइम बाद आपको ये मटर जो है ना बिल्कुल एक चीज़ नहीं दिखेगी आपको, यहाँ स्टेज लगेगा। अब देखते हैं कब, जैसे पापा इसकी सफाई कब करनी है, सफाई अभियान कब चलाना है इसका, कल से क्या आज ही पट देते हैं इसको अभी, बोलो आप है? मौर्य आजा रोटी खा ले। तो हम लोग खा लेते हैं साग और इसके बाद जो है देखते हैं क्या वीडियो बन। तो अभी के बचे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ उस वक्त दाड़ा घाट, और क्या बोलते हैं कि हमेशा आप सोचोगे कि यार जब भी आता है ससुराल तो भाग जाता है, आज भी वैसा ही हो गया है। और जैसे ही मैं आज पहुँचा हूँ तो वैसे ही, जैसे अगर मैं 2 या 2.5 घंटे में रुकाऊँगा, 2-2.5 घंटे रुकने के बाद फिर मुझे फ़ोन आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो सब बच्चा पार्टी पीछे बैठे हुए, कोई गेम में फंसा हुआ, कोई कैसे फंसा हुआ, और आज ये कर रही है ड्राइविंग। मैंने बोला तो आज ड्राइविंग कर, इसको मैं सिखा रहा हूँ ड्राइविंग, ठीक है? और वैसे भी ऐसे मुकर नहीं सकती कि मैंने इसको ड्राइविंग नहीं सिखाई, तो उसको ड्राइविंग मैंने ही सिखाई है, इसलिए बोल रहा हूँ वो मुकर नहीं सकती। बोल जरा किससे सिखाई इसको ड्राइविंग? सबसे पहले गुरु तो मेरे जीतू। अच्छा कोई नहीं, इसको मैं जो है कट कर दूंगा, कोई बात नहीं। गाड़ी जो है मैंने इसको सिखाई है, और परफेक्ट परफेक्ट गाड़ी इसको मैंने सिखाई है। और पहले गुरु मेरे जीजू, हाँ ये बात सही बोल रही है। इसके जो गुरु थे वो इसके जीजा जी हैं, सबसे बड़े वाले जीजा जी, इनको मैं ज्वाइन जी बोलता हूँ। और परफेक्शन तो देख, परफेक्शन तो एक को तो लानी पड़ेगी ना यार, वो तो इधर से उतरो नीचे घूम जाते। नहीं मेरे को तो ठीक है, मैं यहीं से उतर जाऊँगा, यहाँ से नीचे को नारे चलना, जब पक्का रोड है क्या है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग ये यही एंडिंग कर दूंगा, बिकॉज पता ही आपने सुना ही होगा फिलहाल अभी, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। और ये है 27 जनवरी 2022 का ब्लॉग, और इसकी मैं अभी एंडिंग कर दूंगा क्योंकि रात का जो रूटीन है जो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। फिलहाल इतना ही है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग।